नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ राजमोहन तिवारी। बिहार में चुनाव के तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बिहार के राजनीतिक दल चुनावी सक्रियता में पूरी तरह से संलिप्त हो गए हैं, यानी चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसी में एक राजनीतिक दल है जन अधिकार पार्टी और उसके सुप्रीमो पप्पू यादव। पप्पू यादव लगातार बिहार के हर एक जिले में भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अपना और अपने पार्टी का प्लान बता रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो आगे क्या करेंगे। इसी कड़ी में वो पहुंचे थे आज सोमवार को औरंगाबाद जिले में, जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो किस तरह से बिहार को एशिया का नंबर वन स्टेट बना देंगे। इसी कड़ी में उन्होंने ये भी कहा, एक नारा दिया है, 30 साल बनाम 3 साल। उनका कहना था कि 30 साल आपने नीतीश कुमार को 15 साल उसमें देखा और 15 साल उसमें आपने लालू यादव को देखा, लेकिन आप मुझे 3 साल मौका दे, 3 साल में मैं बिहार को एशिया का नंबर वन स्टेट बनाऊंगा। सुनिए पप्पू यादव को क्या कुछ कह रहे हैं। है नीतीश कुमार का, मेरी सरकार आएगी, गठबंधन की कोई भी सरकार आएगी, हम नुनिया भीन चौहान को हम 7 डिप्टी सीएम बनाएंगे। हम अत्यंत पिछड़ों में 2 डिप्टी सीएम देंगे, हम ऊंची जात में 2 डिप्टी सीएम देंगे, हम माइनोरिटीज में 2 डिप्टी सीएम, यानी हैदराबाद में 5 डिप्टी सीएम होगा, यहां के रेस्पेक्ट के लिए भी 2 डिप्टी सीएम होंगे, माइनोरिटीज में भी जो पसमंदा गैर पसमंदा है उसमें भी डिप्टी सीएम होगा, अगले में भी डिप्टी सीएम होगा देंगे, अपन ऊंची जात में भी 2 डिप्टी सीएम देंगे। आप सिर्फ संबुक बद करते हो दोनों, कभी दशरथ मांझी का तो कभी जीतनराम मांझी का, और फिर उसी को ढगरा के भैगन के तरह इस्तेमाल करते हो। 100 चूहा खा के बिल्ली चले हद करने, कभी जीतनराम मांझी को मारते हो तो रामविलास पासवान जी का पैर पकड़ते हो, फिर जीतनराम मांझी का पैर पकड़ते हो तो फिर रामविलास पासवान जी पर वार करते हो। इतनी घटिया राजनीति। अभी आप सुन रहे थे जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव को, जिन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है और कहा है कि विकास जो है, विकास पुरुष जो है नीतीश कुमार, वो सिर्फ ढोंगी हैं और केवल नाम के ही विकास पुरुष हैं, बिहार में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। अभी बिहार में दलित राजनीति उफान पर है और दलित राजनीति को देखते हुए पप्पू यादव भी अब इसमें कूद पड़े हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर उनकी सत्ता आती है, उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो एक उप मुख्यमंत्री जो है वो माइनॉरिटी का बनेगा, दलित का बनेगा। 7 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। इसके अलावा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राजद को बिना शर्त समर्थन देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो राजद को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए लालू प्रसाद यादव को, किसी एक दलित को मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए, परिवारवाद के मोह से बाहर निकल जाना चाहिए। हालांकि देखते हैं कि राजद इस पर क्या टिप्पणी करती है। हालांकि अभी तक पप्पू यादव ने यह प्रस्ताव कई बार रखा है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन राजद की तरफ से इस पर अभी तक कोई ना टिप्पणी आती है, ना ही कोई इस पर बड़ी बयान जो है कोई उनका बड़ा नेता देता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जब बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा फिर क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएँ। धन्यवाद।